पैदा हुए, दोबारा नमत बना, मदद के लिए फितरस के लिए रहमत बना, राहिब के लिए रहमत बना। राहिब के सिलसिले में कुछ लोग ऐसे करते हैं, सलावत पढ़िए मोहम्मद राहिब। कुछ लफ्जे होती हैं कि जिनको आदमी अगर न संभाले तो ज़हन और अकीदा बिगड़ता है। वाकया नहीं गलत होता, अदायगी नबी न दे सके औलाद नवासे भेजेंगे। आप नवासे की मदह कर रहे हैं, नबूवत की मदद कर रहे हैं, सलावत पढ़िए। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं इस्लाह की, मगर मैंने सिर्फ एक इशारा किया है कि ये इसे मतलब है कि पिछले अंबिया के बारे में भी याद ज़हन में रखी, किसी नबी की कमी बताकर तौहीन करके अहले बैत की तारीफ करना, ना आले मोहम्मद इससे राजी होंगे और ना इससे अपने जहन को तस्कीन दो। ये काम फला नबी नहीं कर सका। अरे भाई, यही बात तो फिर इमामों के दरमियान भी आएगी ना, गौर किया तो ऐसा नहीं है। मैंने तो अभी एक बात बताई थी कि सब कुदरत रखते थे करबला साजी पर, लेकिन उसके असबाब फराहम हो, यानी जरूरत पड़े तो उसको ईजाद किया जाए। हुसैन के जमाने में सबब पैदा हुआ कि दीन का इनकार हुआ तो कुर्बानी के लिए निकल पड़े, तो पर वो बातें पिछली हिंद और अली देश तरीके से न जाने कितने वाक्य आते हैं। अब आई ये फितरस का वाक्य भी दो तरफा हो गया है। एक तरफ तो इमाम हुसैन की तारीफ करने आए तो एक शुरुआत हुई मोहम्मद करने बैठ गए, वो नाना नहीं दे सका, राशन नहीं दे दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि रवायती सही दिल नहीं हो सकती है, पैगंबर नहीं दे सकते थे, ज्यादा ही रवायती सही नहीं। इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है, कभी भी बहस इस तरह की न कीजिएगा। अब बात मेरी जबान से मेरे अंदाज पर सुन लीजिए, नबी दे सकते थे। वाह 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 वाह, दे देते तो हुसैन को पहचानता कैसे। नहीं, अभी इतनी बात नहीं है भाई, रवायत का ये भी तो टुकड़ा है ना कि पैगंबर ने कहा था तेरे मुकद्दर में औलाद दी। ये भी दुरुस्त है, हुसैन अगर दे दिए होते और नबी ये ना कहते कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है तो हुसैन की बरकत का अंदाजा होता। लेकिन ये कोई कैसे पहचानता
कि हुसैन मुकद्दर साज का नाम है। वाकयात के ज़िम्न में एक जुमला कहा है साहब पहले अपनी तकरीबों में, उसी को ज़िम्न में रखिए कि इन जवात मुकद्दसा को पहले इमाम और मासूम मानिए, उसके बाद वाकयात को पहचानिए। और अगर इस नहज से देखेंगे तो हम ये कभी नहीं सोच सकते कि इसमें एक कमी है। ये कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इमाम का अमल है ज्यादा से ज्यादा, वरना पहचानने की कोशिश करें। कभी कभी इनके किरदार में सीरत में एक टकराव सा भी मिलता है, कच्चा जहन सोचेगा कि इमाम की सीरत में ये फर्क क्यों है। बहुत सी चीजें ऐसी मिली, एक मिसाल के तौर पर छोटी सी बात सुन ली, पहले अली और दूसरे अली के जिक्र के जुर्मान, अब आज से तो सिलसिला शुरू हुआ है ना, दूसरे अली का शहादत के बाद हमारी से कर रहा था। पहले अली की तारीख में ये है कि मेहमान आया इमाम ने दस्तरखान पे बैठा लिया अपने साथ, बेटा के साथ बैठा मेहमान का, खाने से फारिग हो गए। इमाम मलाए कायनात बनफ्से नफीस लौटा लिया और हाथ धोना धुलाने के लिए मेहमान का आगे हो, मेहमान ने इशरार किया ये शरफ हमें मिले, हम आपका हाथ धुलाए, आप आका हैं हमारे। तारीख ने यही बताया है कि इशरार के बावजूद अमीरुल मोमिनीन ने लौटा मेहमान को नहीं दिया और इमाम के हुक्म से मजबूर हुआ जाने वाला, और इमाम ने अपने मेहमान का हाथ धुलाया। और जब मेहमान का हाथ धुला चुके एक मर्तबा आवाज दी, बेटा मोहम्मद हनफिया, बेटा मोहम्मद हनफिया आओ, इसके बेटे का हाथ तुम धुलाओ। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद और आले तरबियत का सलीका सिखाया जा रहा है चाहने वालों को। गौर करें तो इसके बाद जो इमाम ने फिक्रा कहा है वो सुनो चाहने वालों को। इमाम ने फरमाया अगर इसका बेटा अकेला मेहमान मेरे पास आया होता मेहमान बनकर तो मैं खुद इसके बेटे का हाथ धुलाता।
लेकिन अभी मैंने इसके बाप का हाथ फैलाया है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं बाप और बेटे का मर्तबा बराबर करूं। छोटी सी सीरत है, सबक आमोश है, पर इसी से मैंने इशारा किया था कि मैंने हसन और हुसैन को नहीं बुलाया, वही बाप का हाथ धुला दिया था तो बेटे का हाथ धुलाने के लिए इमाम हसन को बुलाते, उन्हीं तो बेटे थे, हम हुसैन को बुलाते। इमाम फरमाए तुम शिनास बेटे की बात नहीं, मर्तबा बराबर ना हो, मैं धुलाऊं या हसन और हुसैन हाथ धुलाए, मर्तबा बराबर ही रहेगा। बाप का हाथ मासूम ने धुलाया है तो बेटे का हाथ गैर मासूम धुलाए ताकि मर्तबा बराबर ना हो। इसलिए दोहराया है कि यहाँ इस तारीख में क्या है कि मेहमान के इसरार के बावजूद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने लोटा मेहमान को नहीं दिया और मेहमान का हाथ खुद धुलाया। और हमारे चौथे इमाम की तारीफ क्या है, दूसरे अली की, तो सब बराबर आपने सुना है ना इमाम का मौजदा कि हाथ की धोन जवाहरात बने, कहा जाता है, मैं नहीं कहता, वाकई का इनकार नहीं करता, नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता तो मत समझिएगा मैं इस मौजदे का इनकार कर रहा हूँ, नहीं। तारीख क्या है कि हम मेहमान खाने से फारिग हुआ, इमाम ने अपने साथ बिठा लिया, फारिग हुआ और अब चौथे इमाम लोटा दे के मेहमान का हाथ धुलाने के लिए बढ़े, मेहमान के इशरार पर लोटा दे दिया मेहमान को और मेहमान ने इमाम का हाथ धुलाया। और अगर इस एतवार से देखा जाए कि ये भी इमाम है वो भी इमाम है, इमामत की तारीख में किरदार में फर्क नजर आता है कि नहीं, पहले अली ने इसरार के बावजूद मेहमान का हाथ खुद धुलाया, लोटा नहीं दिया मेहमान को, और दूसरे अली ने चौथे इमाम ने लोटा हवाले कर दिया और मेहमान का हाथ इमाम ने धुलाया। पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में इमाम का हाथ मेहमान ने धुलाया, तो दोनों की सीरत में फर्क नजर आता है। लेकिन जब इमाम मान कर देखोगे तो टकराव नहीं, सोचना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, शुरुआत बड़ी हम नजर आ गया। फिक्र की तो अंदाजा हुआ कि दीन के दो पार्ट, दो हिस्से हैं, उसूल दीन और हुए दीन, है ना, उसूल दीन अकायद और हुए दीन आमाल। ये हाथ धुलाना मेहमान का यानी मेहमान नवाजी, ये उसूल दीन में है कि फरूए दीन में, फरूए दीन में पहले अली को फरूए दीन की तालीम देनी थी और उनको समझाना था कि मेहमान नवाजी का हक क्या है। सलावत पढ़िए मोहम्मद अली अल्लाह लिहाजा इसरार के बावजूद इमाम ने लोटा नहीं दिया और मेहमान का हाथ धुला के सीरत बना दी, मेहमान नवाजी का सबक दे दिया, हक क्या है मेहमान का, है ना। अब उसके बाद खाली हाथ धुलाना नहीं, बहुत से मसाइल हैं, तो एक जिंदगी चीज है, वरना बात
अली ही की है तो एक और अली की बात चल रही है, हमारे आठवें इमाम अली रजा की। मेहमान नवाजी की बात हो रही है। आठवें इमाम की सीरत में मिलता है कि मेहमान चिराग की नौबत्ती धीमी थी तो उसको चाहत तेज कर देते, खाली नौ बढ़ा देते तेज कर देते, तो इमाम ने मेहमान को रोक दिया। शुक्रा सुन लीजिए इमाम का, मेहमान को रोक दिया और फरमाया कि नानो अक्वामुन ला नस्तखदिमो मिन अज़्याफ़िहिम, हम वो गरोह हैं जो अपने मेहमानों से खिदमत नहीं करते। ये बत्ती तेज करना खिदमत है कोई, लेकिन सीरत इमाम अल्लाह अकबर किसके अंदाज से सबक दिया है मेहमान नवाजी का, तो हमारे चौथे इमाम ने दे दिया। पहले इमाम ने नहीं दिया, क्यों? इसलिए कि गुरुए दीन की तालीम और सबक देना था। दूसरे अली ने, चौथे इमाम ने क्यों दे दिया मेहमान को लौटा, तो बात समझ में आई कि अब वहां उसकी बीवी ने इमामत पे शक किया था और इमामत उसूल दीन में है, समझो कह रहे हैं, उसूल दीन का तहफ्फुज़ करना था, बताना था कि इमामत किसे कहते हैं, लिहाजा लोटा मेहमान को दे दिया। अब मेहमान ने हाथ धुलाया और ये जवाहरात जब पहुंचे तो उसका अकीदा बदला के नहीं मामले के बारे में जिसने शक किया था। सलावत पढ़ी हम मदरार बात आ गई। फिजरा मैंने बीच में कह दिया था कि मैं नहीं मानता कि हाथ के थोर जवाहिर बने, क्यों नहीं मानता, क्या वाकया नहीं? बात सिर्फ इतनी सी कि मैंने ये नहीं कहा कि जवाहिर नहीं बने, मैंने कहा कि धोवन जवाहिर नहीं बने। हालांकि शुआरा आखिरी इन सब बयान करते रहते हैं ना, धोवन किसे कहें? हम हाथ धो रहे हैं तो जो गिर रहा है वो धोवन है। तो मोती गिर रहे थे कि पानी? गलत। रवायत ये है कि हाथ धो रहे थे इमाम, एक तिहाई तश्त जब एक बटा तीन तश्त भर गया तो इमाम ने हाथ रोक के पूछा उसी मेहमान से कि माँ आजा ये क्या है? उसने कहा हाजा माउन आपा पानी है। जब उसने कहा आपा पानी है तो इमाम ने कहा बल्कि मोती। अब जो देख रहा है तो सारे कतरे मोती बन चुके हैं। सलावत पढ़ी हम ये जो मोती बने हैं ये धोवन नहीं बना है, हाथ का धोवन मोती नहीं बना है, धोवन तो पानी गिरा है ना। फिर हाथ बढ़ाया इमाम ने, जब दो तिहाई हो गया फिर हाथ रोक के पूछा क्या है? उसने देखा कहा आका पानी है। इमाम ने कहा बल अकीकुन अहमर, बल्कि सुर्ख अकीक। फिर पतरे सब सुर्ख अकीक बन गए, जवाहरात बदल गए। फिर हाथ बढ़ाया तो भर गया, फिर रोक करके हाथ पूछा महाजा क्या है ये? तब उसने देखा, देखकर कहा आका पानी है। इमाम ने फौरन आप कैसे समझे कि अंधा था? इमाम के हाथ से गिर रहा है पानी,
इमाम फरमा रहे हैं कि मोती हैं, जवाहरात हैं। आप अभी मतलब को नहीं समझे। अच्छा, सलावत पढ़िए मोहम्मद और आला। भर गया और इमाम ने हाथ रोक के पूछा क्या है, देखा पानी भरा हुआ था, कहा आका पानी है। इमाम ने कहा बल्कि बल जबरदस्त अख़ज़र सब जबरदस्त, ये पानी ने शक्ल बदल दी। तो उसने उस वक्त कहा पानी जब वो पानी था, निर्भर किया उसने उस वक्त कहा पानी जब वो पानी था। इमाम ने ये नहीं कहा कि पानी नहीं है, नहीं की लब नहीं आई है, बल्कि वो कह रहा है पानी है। इमाम कह रहे हैं बल्कि मोती, यानी पानी के न होने का इनकार नहीं है, पानी तो है, लेकिन इमाम ने जैसे ही कहा बल्कि मोती, अब इमाम के फरमान पर शक्ल बदली। मुकम्मल कर दूं कि मैंने क्यों कहा कि भवन जवाहरात नहीं मने, और किया आपने, ये भी तो हो सकता था कि हाथ धोते जाते मोती गिरता रहता, मकसद तो दूर तक का था, शक को दूर करना था इमामत के बारे में। तो इमाम हाथ धोते मोती गिर सकता था, फिर गिर सकता था बजाय पानी के, कहने की जरूरत ही नहीं होती। बात यह है कि मोती गिर तो सकते थे, ये धोवन दोबर बन सकते थे जवाहिर, लेकिन होता क्या जी। ये कहा जाता क्या अल्लाह ने कैसा जिस्म बना दिया था कि पानी छू जाए तो मोती बन जाए, अकीक बन जाए, मिलोर किया। इसकी तारीफ होती जिस्म की या बनाने वाले की। अब मैं नहीं मुतवज्जे हुए मेरी बात पर, इसकी तारीफ होती। अरे मैग्नेट मकनातीस वजन को खींच लेता है, उठा लेता है कि नहीं, तो क्या वो मैग्नेट की तारीफ होगी या जिसने वो ये पैदा किया उसकी मदा होगी कि कुदरत ने कैसी धात पैदा कर दी है कि वजन को उठा लेती है। तो मेरे अजीजों, इमाम के जिस्म की तारीफ नहीं होती, इमाम के अख्तियार की तारीफ ना होती, इमाम के जिस्म को ऐसा अल्लाह ने बना दिया कि पानी छू जाए तो मोती बन जाए। इमाम ने धोवन को पानी बनाकर अब जो बल्कि कह के शक्ल बदली तो दुनिया ने पहचाना इख्तियार इमामत क्या है। इसी वाक़े की तकमील में इमाम ने कहा, फरमाया कि ले जा अपनी ज़ौजा को, अपनी बीवी को दे देना, उससे कह देना कि माले दुनिया नहीं है इमाम के पास, उसका अकीदा बदला इमामत के सिलसिले में। और उसके बाद उसने कसम दिलाई शोहर को कि अब जाना तो अकेले ना जाना, मैं भी चलूंगी ज़ियारत करने। कहा तो इमामत के बारे में शक कर रही थी, तो कहा कसम दिलाई कि मैं भी चलूंगी, काहे के लिए ज़ियारत के। लेकिन तारीख में बताया कि रास्ते में ठंडक लगी, बीमार पड़ी,
अभी मदीना तक पहुंचे नहीं, जाने वाला पहुंचा नहीं, रास्ते ही में बीमार पड़ गई, दुनिया से रुखसत हो गई। उसने कहा उस जाने वाले ने कुछ फासला बातें था, जाके पहले वहां की जियारत करो तब उसका गुस्सा। आया इमाम की खिदमत में जियारत के लिए, चेहरे को परेशान देख के इमाम ने पूछा, चेहरे पे परेशानी कैसी है? उसने बताया कि मोमिना आ रही थी आपकी जियारत के लिए, मुकद्दर में नहीं था, रास्ते में मसल्ला बिछाया, दुआ की और कहा जा तेरी जौजा को 30 साल की जिंदगी और मिली। आया तो जिंदा थी, पूछा क्या हुआ, कैसे जिंदा हो? फरमाया कि मलकुल मौत मेरी रूह लेकर के चले, कुछ देर के बाद एक जवान आया, मलकुल मौत ने सलाम किया, जवाब सलाम देकर उस जवान ने हुक्म दिया कि इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दो, मैंने खुदा से 30 साल की उम्र ले ली। अभी तो पहुंचा, पूछ रहा है क्या हुआ है, जोजा नकल कर रही है कि उस जवान ने कहा, उसने कहा उस जवान को देखोगी तो पहचान लोगी, कहा हाँ मैंने ज़ियारत की है, क्यों ना पहचानूं, कहा चलो साहब। जैसे ही इमाम की खिदमत में लेकर पहुंचा, कदमों पर गिर पड़ी, यही वो जवान है जिसको मलकुल मौत ने सलाम किया। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजाइल के इससे बहुत है, बरकत के लिए, मारफत के लिए। ये भी साबित कर दिया इमाम ने कि पूरे अमल हम अमल के मालिक हम, जब सवाल किया गया था रूह के बारे में कुरान में आयत मौजूद है, नबी कह दीजिए खुले रूहो मिन अम्रे रब्बी, ये रूह मेरे रब का एक अम्र है। मालूम हुआ कि रूह अम्र है, उलिल अम्र वही होगा जो अम्र का मालिक हो। सीधे सज्जाद ने जिंदगी देकर मरने के बाद बताया रूह के मालिक हम हैं, अम्र के मालिक हम हैं, बोले अम्र हम। ये तो बहुत से वाकयात हैं, मौलाए कायनात ने भी जिंदा किया है ना, सुना है बराबर आपने। हाँ मैं उस वाकये को तो इस एतबार से कहता हूँ कि कुछ चीजें कुदरत की तरफ से सामने लाई जाती है ताकि मुस्तकबिल में हमारे काम आए। इमामत के अख्तियारात अपनी जगह पे,
इस वाक़े के सिलसिले में मैं तो ये जानता हूँ कि साजिश के तहत जिंदा को लेके आए थे ना माँ का मजाक उड़ाने के लिए, पर हुआ क्या? तमाम ने नमाज पढ़ा दी, तब उन्होंने आवाज दी उठ जाओ, वो तो उठे। अब मेरी तबीयत वाला होगा तो झुंझलाएगा ना कि उठ नहीं रहा है, जिंदा के कहा होगा उठता क्यों नहीं, भी नहीं उठा। तो यकीनन आगे बढ़ करके झिझोला होगा, शाना हिलाया होगा, नहीं उठ रहा है। ये इंतजाम था हमारे मुस्तकबिल के लिए कि तुम मरने वाले से बात क्यों करते हो, उसे बिदअत ना कहना, आज तुमसे पहले कराए लेते हैं बात, तलकीन को बिदअत ना कहना, शाना तुमसे पहले हिलवाए लेते हैं, सलवात थोड़ी हम कर रहे हैं। के लिए कुर्बानी दी, बस आखिरी आप जानते हैं मजदूम करबला का फुकरा बराबर सुनते हैं सबसे, कि मैं अपने जीन जद के दीन की जिंदगी के लिए पता कर लिखा हूं, जो बुराइयां फैल गई हैं उनको उठाने के लिए निकला हूं, नेकियों को राइज करने के लिए निकला हूं। और ये हमारा मुआशरा पढ़ता तो है ये सब कुछ, लेकिन कभी कभी बैठ करके सोचना भी होगा कि जिन बुराइयों को मिटाने के इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इस कुर्बानी का मकसद बताया है कि बुराइयों को मिटाना है, नेकियों को राइज करना है। तो अगर वाकई हम इमाम के मकसद को पहचानते हैं और बयान करते हैं तो हम अपने घरों का भी जायजा लें। ऐसा तो नहीं है कि यजीदी किरदार कहीं आहिस्ता से हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एहसास दिला रहा हूं, सोचते रहिएगा। यजीद फासिक था, गुनहगार था, गाने बाजे का आदि था, बुराइयों का मरकज था, शराबी था। अगर ये ऐसा पढ़ते हैं आप पेश सुनते रहते हैं तो इमाम ने क्या कहा है? इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं बैरत नहीं करूंगा यजीद के, मिसली मेरे जैसा यजीद जैसे की बैरत नहीं कर, अगर पैरवी का मानी है तो गया इमाम ने क्यामत तक के लिए चाहने वालों को पैगाम दिया है ये कहकर कि अगर मेरा बनना है तुम्हें तो मेरे जैसा कभी यजीदी किरदार को नहीं कबूल करेगा, अपने घरों से अपने मुआशरे से हम हुसैनियों को चाहिए कि हम उन तमाम बुराइयों को दूर करें जो दबे पांव हमारे घर के अंदर घुस रही हैं, दाखिल। ये एक पैगाम है मेरा घर आखिरी में, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। हाँ, यजीदी
किरदार जो भी था, अगर उससे नफरत है तो उन चीजों से अपने घरों को बचाओ। हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बस इस आखिरी मरहले में आप आमादा हो जाए चंद मासूमों के लिए। कितने मसाहब टूटे हैं सही तो शहदा पे, मगर आप ये सोचें सैयद सज्जाद को सैयद सागरीन का लखब क्यों मिला। रोने के लिए क्या हुसैन से बड़ा कोई साबिर मिलेगा। खुद मजलूम करबला ने यही तो कहा है कि मुझे रोला रोला के मारा गया है। जवान के सीने से बच्ची का फर्क निकाले, बेशीर से के गले से तीर खींचे, बाप मजलूम करबला खूने नाहक अपने चेहरे पे मने, एक एक शहीद का लाशा उठाए, बिखरे हुए लाश के टुकड़े चुने, अलमदार के बाजू उठाए, एक एक जानेसार जानू पे दम तोड़े और इमाम सब्र कर रहे हों, और फिर भी इमाम को सैयदुस साबिरीन का लफ्ज नहीं दिया गया है, वो कौन सा सब्र है। बर्दाश्त नहीं होता, वो कौन सा सब्र है कि जिसकी बिना पर मेरे कैदी इमाम को सैयदुस साबिरीन का बेशक मेरे मजलूम इमाम ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, कितने लाशें उठाए हैं, कितना सब्र किया है। लेकिन आपने सुना है ना, कड़ियल जवान के सीने से बच्ची का अल निकालना और सब्र करना, लेकिन ये भी तो सुना है कि जब इस कड़ियल जवान के लाशे में माजाई नजर आ गई तो मेरे मजलूम मेहमान ने जवान का लाशा छोड़ दिया और अपनी माजाई के पर्दे के लिए आवाज़ी हुसैन के जीते जी खेमे से बाहर नजारो। शायद यही वो सब्र की इंतहा है कि सैयद सज्जाद माँ बहनों का साथ दे मतला चादर। बाजारों में दरबारों में ये मामूली सब्र नहीं सैयद सज्जाद, एक मंजिल आई जिसे आप सुनते रहते हैं, बीमार के चेहरे का रंग बदलने लगा। सानिया जहरा ने सहारा दिया, पूरी तारीख आपको सुनी हुई है जहनों में है। सिर्फ इतना मुझे कहना है कि जब बीमार के चेहरे का रंग बदला और मैंने अर्ज किया था कि हर कलियां डाली गई, चेहरे का रंग नहीं बदला,
بیڑیاں پہنائی گئیں, چہرے کا رنگ نہیں بدلا, خیمے جلائے گئے, چہرے کا رنگ نہیں بدلا, بیمار کا بستر لوٹا گیا, چہرے کا رنگ نہیں بدلا, لیکن جب جلتی رہتی پہ شہیدوں کے لاشے اور باپ کا لاشا نظر آیا تھے وہاں کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بہرا نے سہارا دیا, سبرن سبرا میرے لال سبر کرو, بری اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا جلتی رہتی ہے, عزیزوں ہاں یہ بڑا سخت مرحلہ ہے, لاش بے گور و کفن پڑی نہیں. امام زمانہ نے بھی کربلا کے مسائل جب بیان کیے ہیں تو اس فکرے پر جب بات آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. جب امام زمانہ نے زیارت پڑھی ہے فقائے کو ان جسموں پہ ان شہیدوں پہ سلام, اس شہید کو سلام جس کو پسے گردن سے نبھا دیا, شہیدوں کو سلام کرتے ہوئے جب مظلوم کربلا کو سلام کیا ہے تو اس پر سلام جس کو پسے گردن سے زبا دیا. اس کے بعد ایک فقرہ ہے امام کا جو دل بے چین کر دیتا ہے, امام نے کہا ان جسموں پہ سلام جو بے کفن جلتی رہتی پہ پڑے رہ گئے. رونے والوں اس فکرے پر پہنچ کر دل چاہا کہ میں اپنے امام سے پوچھوں, آقا ہم نے تو شریعت میں فقہ میں پڑھا ہے کہ شہید کفن کا محتاج نہیں ہوتا, سن لو میرا فکرہ, اگر لوگ سے خواہش ہو تو روکنا ہونا, اپنی جس کا ادا کر لو ادا دارو, دل چاہتا ہے کہ وہ آتا یاد کیوں پر یاد کر رہے ہیں ان جسموں پہ سلام جو بے قبل جلتی رہتی ہیں, ہم نے تو بتانے پڑا ہے کہ شہید قبل کا محتاج نہیں ہوتا. امام آواز نے کہا بے شک شہید قبل کا محتاج نہیں ہوتا ہے, اس کا خون آلود کپڑا قبل بنتا ہے. امامت میں سب کچھ تھا لیکن الہی شان نہیں دکھائی, اور آپ نے سنا ہے کہ تین دن کے بعد جب بنی اسد آ گئے دفن کرنے کے بعد تو ایک مرتبہ کڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے میرا چوتھا امام بھی قید سے اعجازی شاہ کے ساتھ آ گیا. اتنا تو سن لیا ہے آپ نے, سنتے رہتے ہیں, کیا میں پوچھوں اپنے امام سے, آقا جب اعجازی شان سے آنا ہی تھا دفن کرنے کے لیے تو جب چہرے کا رنگ بدلا تھا اسی ہوتے اعجازی شان دکھائی ہوتی ہے, اپنے بابا کو اسے مردے لہت کر کے گئے ہوتے ہیں. فرمائیں گے کہ اس وقت مظلومیت کا مظاہرہ تھا,
चेहरे का रंग बदल गया था, मगर कितना मजबूर बना दिया गया था। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। तुम्हें कहूंगा हाथ जोड़कर आप आ, अभी भी तो आप पैद में हैं, अभी भी तो कलियां जुदा नहीं हुई। फिर आप क्यों आ गए हैं जादी शान से दफन करने के लिए? सुनो कि जाने वालों, मेरा इमाम आवाज देगा कि मासूम को गैर मासूम नहीं दफन कर सकता। तारीख इमामत यही है, मासूम को गैर मासूम नहीं दफन कर सकता है। लिहाजा जब बनी असद आ गए दफन करने के लिए तो मुझे आना पड़ा, ऐसा ना हो कि गैर मासूम के हाथों मजरूम में करबला दफन हो जाए। लिहाजा मेरा चौथा इमाम मेरी सवारी में आ गया। एक लाशा पड़ा है। बीमार इमाम ने पूछा किस आलम में देखा? बनी असद ने कहा सारे जुदा है, घुटने से पाँव अलग है, चाले से हाथ अलग है, गर्दन से सर अलग है। हमें नहीं मालूम किसका लाशा है। बीमारे करबला ने आवाज दी, बनी असद किसको संभाले ज़ैनब, किसको मनाए ज़ैनब, 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 किसको संभाले ज़ैनब, किसको मनाए परेशान है, हैरान परेशान।
किसको मनाए जैना, सबको संभालना है प्रेमों में आग फेरी, कर बल किरण में दुखिया अब रह गई अकेली, कौन आएगा मदद को, कौन आएगा मदद को, किसको सदा दे किसको बनाए जैना, किसको संभाले जैना, किसको बनाए जैना, हैरान परेशान है, हैरान परेशान है, कर वो बला में जैना, किसको संभाले जैना, किसको बनाए जैना, किसको संभाले जैना, किसको बनाए जैना, हर वक्त जो बाबा के सीने पे सोने वाले, पानी को तरसती है यादों में पलने वाली, मासूम सकीना को कैसे मनाए जैना, किसको संभाले जैना, किसको मनाए जैना, किसको संभाले जैना, किसको मनाए जैना, बानो हुई थी गिरिया असगर जो याद आया, सबको निभा रही है, सबको निभा रही है, वो दिल निगार जैना, किसको संभाले जैना, किसको बनाए जैना, किसको संभाले जैना, किसको बनाए जैना, किसको बनाए जैना, किसको संभाले जैना, किसको बनाए जैना, जंजीर में था जकड़ा बीमार कर बला को, जंजीर में था जकड़ा बीमार कर बला को, पेपर था शाम किसको संभाले जैना, किसको मनाए जैना, या हुसैन या हुसैन ये कहता राह ज़माने से, वो खून दो के ये कहता चीनो ना रो मेरे का।
उसके रोने पे Yeah.
को पत्थर क्यों आ रहे हैं, गांव की गोदियों से लिपटे हुए हैं बच्चे, है हाथ रस्सियों में माँ के ऐसे जकड़े, सुनाया बाजी
Say, 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 say